वेलकम टू बॉलीवुड वाला आई एम दोस्तों स्टेट ऑफ सीज टेंपल अटैक का ट्रेलर देखा मैंने यार सबसे पहली बात तो वो जो प्रमाई है जो स्टोरी है वो काफी एज ऑफ द सीट वाला एक स्टोरी है यार एंड प्लस इफ इफ इट हैज डायरेक्टेड वेल द स्क्रीन प्ले इज वेरी वेरी वेल रिटन देन इट कैन बी अ वेरी 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 गुड वेब सीरीज टू वॉच अब जितना ट्रेलर मैंने देखा यार मैं आपको क्या क्या अच्छा लगा वो मैं लिस्ट आउट करता हूँ अक्षय खन्ना एज दी एन एस जी कमांडो लुकिंग एब्सल्यूटली टेरिफिक एंड स्टानिंग बहुत अच्छा लग रहा है प्लस पेट्रियोटिज्म का वो जज्बा आपको देखने मिलेगा वो हीरो वर्सेस विलन स्टोरी जो जिस तरह से दिखा है प्रॉपर हीरो वर्सेस विलन स्टोरी वो आपको देखने का मौका मिलेगा हाउ दिस टेररिस सेंटर्ड द टेम्पल एंड हाउ दे स्टार्टेड यू नो इनडिस्क्रिमिनेटली फायरिंग एंड किलिंग इनोसेंट डिवोट इज इनोसेंट मैन वुमेन एंड इवन चिल्ड्रन और उसके बाद हाउ द एन एस जी स्टॉप दिस अटैक एंड किल दो डास्टर्डली ये जो स्टोरी अगर आपने एंगेजिंग तरीके से बताया देन कैन बी अ वेरी 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 गुड एंड थ्रिलिंग सीरीज टू वॉच लग रहा है कि इंटेंस होगा थ्रिलिंग होगा एज ऑफ द सीट होगा एक ही एक चीज़ का एक डाउट लगा ट्रेलर देख के एक्शन कितना एज ऑफ द सीट होगा उसका यू you नो know, थोड़ा एक डाउट है मेरे मन में अब सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा बिकॉज एक्शन हाई लेवल का होना चाहिए हाई स्केल का होना चाहिए टॉप क्लास होना चाहिए तो ही वो इम्पैक्ट पड़ेगा लाइक आप उरी देखो यार उड़ी में जो एक्शन था जो फायरिंग था जो एक्सप्लोजन था एवरीथिंग लुक्ड वेरी रियल इसमें जितना मैंने वो फायरिंग वगैरह देखा गन्स का फायरिंग डिजिटल बुलेट्स डिजिटल फायर लगा वी वाला फायरिंग लगा वो एक्सप्लोजन का भी वो उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा जितना ट्रेलर में मैंने देखा ज्यादा दिखाया नहीं है तो आई एम होपिंग दैट वेब सीरीज में रियल लगे नेचुरल लगे वो इम्पैक्ट क्रिएट करे एक्शन बट अदरवाइज स्टोरी लुक्स Very, very engaging. Like I said, the hero versus villain story with that tinge of patriotism, where we salute our brave commandos who rescued all those people inside, you know, and killed those terrorists. That can be a true, superb, and great story to watch, applaud, and feel proud about, great about, and also to know what went behind during that attack, how people lost their lives when these dastardly terrorists.